अभी प्रीएम्बल का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम भारत देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको हम चार चीज़ प्रोवाइड करेंगे. एक है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. कॉन्स्टिट्यूशन हमें चार चीज़ प्रोवाइड करता है. एक है जस्टिस, एक है लिबर्टी, एक है इक्वलिटी और एक है फ्रेटर्निटी. जस्टिस, तीन तरह के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. सोशल का मतलब है सामाजिक, इकोनॉमिक का मतलब है अर्थनीतिक एंड पॉलिटिकल का मतलब है राजनीतिक. ठीक है, तो जस्टिस तीन तरह के हैं. सोशल मतलब सोशल जस्टिस, जस्टिस का मतलब है न्याय. हम न्याय प्रदान करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबको न्याय देता है. ठीक है, तीन साइड में न्याय जो है वो मिलता है. एक है सोशल जस्टिस, मतलब तुम्हारे सामाजिक न्याय, तुम्हारे समाज में हर एक इंसान को इक्वल तरीके से दिखा जाता है. ठीक है, सबको समान अधिकार दिया जाता है, इसको बोला जाता है सोशल जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, कि सबके पास काम करने का अधिकार है. ठीक है, सबके पास काम करने का अधिकार है और साथ में काम के साथ साथ रेस्ट करने का भी अधिकार है. ठीक है, तो इसको बोला जाता है इकोनॉमिक जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक जस्टिस का मतलब, राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि सबके पास वोट देने का अधिकार है. सबको इक्वली आफ्टर द एज ऑफ 18 इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, इलेक्शन में खेलने का अधिकार है, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है, इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार है. इसको बोला जाता है पॉलिटिकल. तो एक है सोशल, मतलब सामाजिक, जहाँ पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, समाज में सबको, हमारे सोसाइटी में सबको इक्वल तरीके से देखा जाता है. अगर ये रिच है, पुअर है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रदान किया जाता है. इकोनॉमिक का मतलब क्या है, सबके पास काम करने का अधिकार है. और पॉलिटिकल का मतलब है सबके पास वोट देने का अधिकार है. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. सबके पास लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब है सबके पास आज़ादी है. किस चीज़ का आज़ादी है सबके पास, किसी भी चीज़ को सोचने का. लिबर्टी ऑफ थॉट, तुम किसी भी चीज़ को सोच सकते हो, अभी जो सोच रहे हो उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, मतलब बोल भी सकते हो, किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे फेथ रख सकते हो, किसी भी भगवान को वर्शिप कर सकते हो, पूजा कर सकते हो. ठीक है, मान सकते हो. इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमारे देश में सभी का स्टेटस, मतलब सभी का स्टेटस जो है वो इक्वल है. इसका मतलब क्या है, हमारे देश में ना रिच है ना पुअर है, सभी को इक्वल तरीके से देखा जाता है. ठीक है, तो सभी का जो स्टेटस है वो, योग्यता जो है सभी का, वो सब में इक्वल है. उसके बाद सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है. गवर्नमेंट जॉब्स में देखना कि सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. और इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, हम सब के बीच हम प्रोमोट कर रहे हैं. किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी को. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, ब्रदरहुड. फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. इसका मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी, मतलब आत्मसम्मान जो है उसको हम मानते हैं. ठीक है, उसको हम मानते हैं. हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का डिग्निटी होता है, आत्मसम्मान होता है, और हर एक इंडिविजुअल का जो डिग्निटी है उसको हम एश्योर करके रखते हैं, सुनिश्चित करके रखते हैं. ठीक है, एंड यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का बात करता है. यूनिटी का मतलब है एकता और इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता. हम कभी भी देश को खंड नहीं होने देंगे, मतलब देश को डिवाइडेड नहीं होने देंगे. ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फोकस जो है वो किया गया है. उसके बाद क्या है, उसके बाद है लास्ट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल. इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब क्या है कि हमने 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डे ऑफ नवंबर 1949 का मतलब है 26 नवंबर 1949
इस डेट पे हमने अपने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने अडॉप्ट किया है, मतलब बनाया है, उसको इनेक्ट भी किया है एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, हमारा भारत का संविधान जो है वो इस डेट पे बना है, 26 नवंबर 1949 पे इसको बनाया गया है और हमने अपने आप को ये संविधान इसी डेट पे अपने आप को सौंप दिया है एंड गिव आवर सेल्फ, हमने दिया है अपने आप को, क्या दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान है इसको दिया है। कब दिया है, 26 नवंबर 1949। लास्ट पार्ट जो है हमारा, वो लास्ट पार्ट पे एक्चुअली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था उस डे को मेंशन किया गया है, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बना के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को सौंप दिया था कि बन के रेडी हो गया है, उस डेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो है 26 नवंबर 1949। तो ये है हमारे भारत का संविधान, ठीक है। आशा करता हूँ कि सबको ये संविधान जो है, संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का, इसके बारे में थोड़ा जानकारी जो है वो मिल गया है। थैंक यू।